राजू राजू वाल पे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैं दूसरा बार बोगुंडा का घर जा रहा हूँ और बोगुंडा का छोटा सा एक सेटअप भी है। तो उस दिन मैं बहुत जल्दी में था इसलिए दिखा नहीं पाए, तो आज मैं जा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा फ्रेंड बोगुंडा का सेटअप में चलते हैं। और भी कुछ बर्ड्स है उनका बर्ड सेटअप में पे चले आए। तो दादा नेस्टिंग देकर रखे, उधर नेस्ट बॉक्स का अंदर बेबी है। तो ये आपको दिखाई रहा है, नेस्ट बॉक्स ले लिया, शायद अंडे ले करेगा। तो काफी अच्छा सेटअप है बोगुंडा का। एक कोकाटल है, भगवान की कृपा से चारों अंडा दिए थे, चारों ही बच्चा निकल गया। यार काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। ठीक ठाक है तो ऊपर ना तो जो धान का छिलका होता है ना पूरा, जिसको टेक्नोलॉजी में कहा जाता है, वो बेबी को उठा के और ज्यादा दे देना, देखा फिर से बेबी को बिठा देना। तो गर्मी रहेगा, टेम्परेचर को मेंटेन रहेगा, वो पॉपटल चिप्स नहीं मारेगा। आपको वीडियो में देखे कि मैंने अगर वीडियो में बोल दिए थे, दिखावे दिए, तो जिसने फ्रेंड नहीं देखा वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। और इधर छोटा सा बजीस का कॉलोनी है और काफी सुंदर कलर है, पीला में और पीला कलर में और व्हाइट कलर में देख सकते हो। और पीला कलर का व्हाइट, पीला कलर और व्हाइट वाला कलर बजीस को बहुत अच्छा देखने को अच्छा लगता है और काफी सुंदर भी लगता है। और इधर दादा के पास एक जोड़ी सांड भी है, अभी बेबी है। इसका उम्र कितना है? अभी 4 महीने, 4 महीने का है। तो जब लिए थे कितना? 2 महीने का लिए थे। 2 महीने का लिए थे। देख के पता चल जा रहा है। तो दादा का काफी अच्छा सेटअप है। और इधर दो ड्रम दिखाई दे रहे हैं, तो काफी सुंदर प्यार है, जोड़ी बहुत अच्छा है। और दादा इसको भी नेस्ट बॉक्स लगा दिए, मैं दिखा देते। और ये भी नेस्टिंग कर लिया, शायद 1 महीने का अंदर ही लेकर आएगा।
तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आए तो ज़रूर वीडियोस को एक लाइक कर देना, और आपके साथ जो दोस्त है, जो दोस्त घर में बर्ड्स पालते हैं, बर्ड्स पालने का कोशिश कर रहे हैं, तो उन फ्रेंड्स को आप शेयर भी कर देना। और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स और भी मज़ेदार वीडियोज़ लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।